नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। दमोह में होटल शराब और ट्रांसपोर्ट कारोबारी राय फैमिली के 12 ठिकानों पर गुरुवार सुबह 5 बजे शुरू हुई इनकम टैक्स की कार्यवाही शुक्रवार रात 11 बजे खत्म हुई। 42 घंटे चली कार्यवाही में 8 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। आयकर टीम को रुपए गिनने के लिए 5 मशीनें लगानी पड़ी। सोने के 3 किलो जेवर के साथ हीरे, हथियार और करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज भी टीम को मिले हैं। रेड पड़ते ही राय बंधुओं ने बैग में नोट भरकर पानी की टंकी में डाल दिए थे। आयकर टीम ने नोटों से भरा बैग बाहर निकाला और हेयर ड्रायर व प्रेस की मदद से घंटों तक नोट सुखाए। नोट गीले होने से बैंक कर्मी भी इन्हें सुखाने में जुटे रहे। टीम लीडर IT ज्वाइंट डायरेक्टर मुनमुन शर्मा ने शुक्रवार देर रात रेड खत्म होने की आधिकारिक घोषणा की। राय परिवार के सदस्य राजा राय ने कहा कि कार्यवाही परिवार को प्रताड़ित करने के लिए की गई है, जो राशि और जेवरात बरामद होना बताए हैं उनकी दस्तावेज IT के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। हमें 15 दिन का समय दिया गया है। अपने CA से मिलकर सारी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल सारी संपत्ति के दस्तावेज टीम लेकर गई है। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।